दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सी वोटर के फाइनल सर्वे ने चौंकाया, मध्य प्रदेश में खिलेगा कांग्रेस का कमल, शिवराज को हटा सत्ता में आएंगे नाथ। जी हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में एक ही चरण में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्य में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2020 में सरकार गिर गई है और 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एमपी में इस बार किसकी सरकार बनेगी। विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे रिपोर्ट और राज्य में एक ही चरण में होने के चुनाव, बीजेपी को हटा सत्ता में वापसी करती दिखी कांग्रेस। जी हां आपको बता दें मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर हमले तेज कर दिए हैं। प्रचार के लिए दोनों ही पार्टियों के राष्ट्रीय स्तर के नेता यहां पहुंच रहे हैं और राज्य में इस बार दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी जहां सरकार में है वहीं कांग्रेस सत्ता में है और वापसी की दावेदारी कर रही है। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश का सियासी माहौल कैसा है, इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसे लेकर कई ओपिनियन पोल किए गए हैं और शनिवार को एक नए ओपिनियन पोल की रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट में कांग्रेस खेमे में खुशी हो सकती है और वहीं बीजेपी के हाथ मायूसी लग सकती है। दिल्ली एनसीआर की हवा ने फिर दिलाई कोरोना पाबंदियों की याद, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल बंद, मास्क लगाने की दी हिदायत। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। दिल्ली एनसीआर का वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार हो चुका है और ऐसे में केंद्र सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप ने फाइनल स्टेज यानी VI को दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है और इसमें दिल्ली में गैर जरूरी ट्रक आवागमन पर प्रतिबंध, सार्वजनिक परियोजनाओं समेत निर्माण पर प्रतिबंध, स्कूलों कॉलेजों को संभावित रूप से बंद करना और सरकारी निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश शामिल है और वही घर से मास्क लगाकर निकलने की हिदायत दी गई है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी तरह हवा खराब रही तो दिवाली के बाद मुसीबत और बढ़ सकती है। क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने के लिए जिम्मेदार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली और NCR राज्यों से सभी आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए कहा है। IIT कानपुर की रिसर्च में बड़ा खुलासा, नेपाल के बाद भारत के इस राज्य में आ सकता है भूकंप। जी हाँ बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नेपाल में शुक्रवार देर रात आए शक्तिशाली भूकंप में कम से कम 140 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। आपको बता दें कि इसकी तीव्रता 6.4 से नेपाल आई थी और इस भूकंप के झटके भारत के दिल्ली NCR UP और बिहार में भी महसूस किए गए थे और इस भीषण भूकंप के बाद अब कानपुर IIT ने अपने रिसर्च के आधार पर बताया है कि नेपाल के बाद अगला भूकंप भारत में कहां आने वाला है। उन्होंने ये भी बताया है कि एक ही जगह पर बार बार भूकंप आने के खतरे की घंटी है। आपको बता दें कि एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कानपुर IIT के प्रोफेसर जावेद मलिक ने कहा है कि नेपाल में बार बार भूकंप आता है क्योंकि नेपाल भूकंप जोन है और एक ही जगह पर बार बार भूकंप आना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि कम मैग्नीट्यूड के ज्यादा भूकंप आना एक बड़े भूकंप की आशंका है। नेपाल की तरह भारत का उत्तराखंड जोन भी भूकंप एक्टिव है, वहां पर भी भूकंप आने की आशंका है। और दोस्तों आपको बता दें कि सांप तस्करी इल्जाम पर फिर भड़के एल्विश यादव, मेनका गांधी पर कहा करेंगे केस, राम पे भरोसा है किसी को नहीं छोड़ूंगा। जी आपको बता दें कि बिग बॉस OTT 2 के विनर और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सांसद मेनका गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। एल्विश यादव ने ये बात सांप तस्करी और रेव पार्टी करने के आरोपों पर FIR दर्ज होने
गांधी की बात कही है। मेनका गांधी ने बयान देते हुए कहा था कि अल्पेश यादव को गिरफ्तार करना चाहिए क्योंकि वो सांप तस्करों का सरगना है। और अल्पेश यादव ने रविवार 5 नवंबर को ट्वीट करते हुए कहा कि वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान राम पर पूरा भरोसा है। मेनका गांधी की ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स फॉर एनिमल पार्टी ने अल्पेश यादव पर सांपों की तस्करी करने और रेव पार्टी करवाने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, और जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जिन्होंने पूछताछ में अल्पेश यादव का नाम लिया। और 3 नवंबर को अल्पेश के खिलाफ नोएडा पुलिस ने FIR दर्ज की थी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल भगवंत मान पहुंचेंगे। जी आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, और खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहां चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। वे हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर जोश भरने का काम करेंगे और इसके साथ ही 11,000 नए कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाएंगे। गौर करने वाली बात यह है कि आम पार्टी ने रोहतक लोकसभा चुनाव में 2014 में 46,759 वोट हासिल किए थे, जिसके बाद 2019 से पार्टी ने JJP से गठबंधन के चलते यहां से चुनाव नहीं लड़ा था, और अब 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने अभियान की शुरुआत कर रही है। वरुण गांधी की काट बन पाएंगे मनजिंदर सिंह सिरसा, BJP ने स्पेशली पीलीभीत भेजा। जी आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वरुण गांधी और BJP के बीच अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। जहां वरुण गांधी सरकार के खिलाफ मुखर दिखाई दे रही है, तो वहीं BJP ने वरुण गांधी की काट के तौर पर मनजिंदर सिंह सिरसा को पीलीभीत भेजा है। सांसद वरुण गांधी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। वरुण गांधी ताबड़तोड़ जनसभाओं को संबोधित कर जनता को अपनी ओर रिझाने में जुटे हुए, और ऐसे में वरुण गांधी ने शनिवार को सिखों की समस्याओं को लेकर बरेली के बहेड़ी में आयोजित हुई एक सिख महापंचायत में भी शिरकत की। और बहेड़ी पीलीभीत लोकसभा के अंतर्गत आती है, और वही वरुण गांधी को इस सभा के दौरान सिखों का भरपूर समर्थन मिला। वरुण गांधी ने सिख समुदाय से जुड़े मुद्दे को मंच से रखा और सिखों को बहादुर लोगों की कौम होने का दर्जा भी दिया। गुजरात में हार्ट अटैक से हाहाकार, कार्डियोलॉजिस्ट बोले कोविड से नहीं कनेक्शन, जिंदगी फेल होने के गिनाए ये कारण। जी हम बात करें गुजरात में हार्ट अटैक के मामलों को लेकर हाहाकार की स्थिति, और लेकिन राज्य में बड़े कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा है कि हार्ट संबंधी मौतों के मामले में कोई वृद्धि नहीं हुई। डॉक्टरों ने अपने डाटा के हिसाब से कहा है कि हार्ट अटैक के जो मामले प्रकाश में आए हैं उनका कोविड और उसकी वैक्सीन से भी कोई लेना देना नहीं है। सालों तक हजारों मरीजों का उपचार कर चुके कार्डियोलॉजिस्ट ने सरकार की पहल पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये निष्कर्ष पेश किया। डॉक्टरों का कहना है कि कम उम्र के युवाओं में हार्ट फेल होने के पीछे दूसरे कारण जिम्मेदार हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एक कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा कि हृदय संबंधी मौतों और COVID-19 महामारी या टीकों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर चिराग जोशी ने कहा है कि साल 2020 में हमारे पास आए कुल युवाओं में से 9.5% लोग कोविड पॉजिटिव थे, और आज ये अनुपात 5.5% है। उनमें से केवल 3.5% को ही कोविड के दौरान अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ी थी। इजराइल गाजा युद्ध को लेकर हिजबुल्ला पर क्यों भड़का सऊदी अरब, नसरल्ला के दावों की हवा निकाली। जी हम बात करें कि सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल रहमान बिन मोसाद ने हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला के दावों की हवा निकाल दी है। उन्होंने कहा है कि नसरल्ला के बताए गए एक्सिस ऑफ रेजिडेंस नाम का कुछ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि हिजबुल्ला के हथियार सिर्फ उसके लिए हैं, इसका फिलिस्तीनी उद्देश्यों से कोई संबंध नहीं है। सऊदी अरब के प्रिंस अब्दुल रहमान बिन मोसाद ने शनिवार को गाजा में युद्ध को लेकर दिए गए भाषण के बाद हिजबुल्ला महासचिव हसन नसरल्ला पर तीखा हमला बोला है। प्रिंस बिन मोसाद ने कहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिरोध की धुरी एक्सिस ऑफ रेजिडेंस का बड़ा झूठ है। हिजबुल्ला के पास जो 1,00,000 मिसाइलें और बड़े हथियार है, उनका फिलिस्तीनी देश के समर्थन से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि तथाकथित प्रतिरोध धुरी वर्षों से फिलिस्तीनी मुद्दे से निपट रही है, और ये क्षेत्र में ईरान के एजेंडे को लागू करने का एक साधन मात्र है।
सीमा हैदर ने खुद बताया यूट्यूब से कितनी कर रही है कमाई, हर महीने अकाउंट में आ रहे हैं इतने हजार रुपए। जी हम बात करें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। अपने चार बच्चों के साथ अवैध तरीके से पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर फिलहाल ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी और कथित पति सचिन मीणा के साथ रहती हैं। हाल ही में सीमा हैदर ने बताया कि वो सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब से हर महीने कितना कमा रही हैं। और दोस्तों करवा चौथ पर एक मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में सीमा हैदर और सचिन मीणा ने बताया कि उनके यूट्यूब से पहली सैलरी आ गई है। सीमा हैदर ने ये भी बताया कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आया और उन्होंने पैसे से क्या किया है। आपको बता दें कि सीमा हैदर ने वीडियो इंटरव्यू में बताया कि यूट्यूब से उनको पहली सैलरी मिल गई और सीमा हैदर ने कहा है कि यूट्यूब से उनको पहली सैलरी अक्टूबर महीने की आई थी, जो पहली बार आई और इससे पहले सोशल मीडिया से उनकी कोई अच्छी कमाई नहीं हो रही थी। सीमा हैदर ने कहा कि मैं सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने पहले मुझे मदद की है। हाँ, अब हमारी यूट्यूब से कमाई हो रही है। जो हमारा कमरा बना गहने बना है वो यूट्यूब के इनकम से किए हैं। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इससे पहले मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिले हैं। सब लोग मुझसे पूछते हैं कि भाभी जी कितने पैसे आ रहे हैं बताइए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अब हमें यूट्यूब से पहली सैलरी आई है, हमारी सैलरी अब आई है और 25 से 26 अक्टूबर को आई थी। मैं अपनी यूट्यूबर फैमिली को बताना चाहूंगी कि मुझे 40 से 45 हजार पूरे 45 हजार पेमेंट आई है। आम आदमी के आंसू निकाल रहा प्याज, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी कम नहीं हो रहे हैं दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्याज की कीमतें नवरात्र से बढ़ रही हैं। दिल्ली में प्याज की कीमतें दोगुनी हो चुकी हैं और बारिश के कारण प्याज की फसल खराब हुई है और मार्केट में स्टॉक की शॉर्टेज है। सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध और बफर स्टॉक के निर्माण के बावजूद इसमें नरमी की कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें प्याज के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, नवरात्र से प्याज की कीमतों में तेजी बनी हुई है। कोलकाता के कई खुदरा बाजारों में गुरुवार को प्याज की कीमतें 100 रुपए से प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। कोलकाता के खुदरा बाजारों में प्याज की न्यूनतम कीमत जहां 80 रुपए प्रति किलोग्राम है, वहीं पॉश इलाकों में स्थित कुछ बाजारों में ये 100 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जा रहा है और देश के बाकी शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर के महीने में प्याज की कीमत दोगुनी हो गई है। आपको बता दें डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के आंकड़ों के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर को प्याज की कीमत 38 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो 30 अक्टूबर को 78 रुपए तक पहुंच गई थी। जानकारों का मानना है कि ज्यादा बारिश की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई थी, लिहाजा मार्केट में स्टॉक की शॉर्टेज दिखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।